नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अनुष्ठा सिंह। इस बुलेटिन में आज बात होगी मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार की, नीतीश की पार्टी जेडीयू में बढ़ती फूट की, भतीजे चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस की बढ़ती तकरार की और बुलेटिन के अंत में बात होगी कोरोना और वैक्सीनेशन की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। मोदी कैबिनेट का कोरोना पर बड़ा फैसला, 23,000 करोड़ के इमरजेंसी हेल्थ पैकेज का ऐलान। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल के बाद गुरुवार शाम को पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें किसान, कोरोना आदि के मुद्दों पर अहम फैसले लिया गया। कोरोना से लड़ाई के लिए 23,000 करोड़ के इमरजेंसी हेल्थ पैकेज का किया गया ऐलान। कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, 1,00,000 करोड़ के फंड के लिए एपीएमसी भी पात्र। नरेंद्र सिंह तोमर बोले, खत्म नहीं होगा मंडियां। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कृषि क्षेत्र के लिए जारी 1,00,000 करोड़ रुपए के फंड का उपयोग मंडियों के विकास में भी किया जा सकता है। तोमर ने कहा कि मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार एपीएमसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का उपयोग कर सकेंगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर वरिष्ठ कांग्रेसी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कसा तंज। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक ही है तो धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने का क्या फायदा, लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब है मोहन भागवत और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का डीएनए भी एक ही है। अब खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली विधानसभा की कमेटी के सामने फेसबुक को होना पड़ेगा पेश, सुप्रीम कोर्ट का समन रद्द करने से इनकार। ट्विटर के नए आईटी मिनिस्टर की चेतावनी, अश्विनी वैष्णव बोले, देश का कानून सबसे ऊपर लागू करना होगा। ट्विटर ने कोर्ट से कहा, 8 हफ्ते में अपॉइंट करे अफसर। आरएसएस प्रमुख पर तंज, दिग्विजय सिंह ने कहा, मोहन भागवत के बयान का मतलब है कि उनका और ओवैसी का डीएनए भी एक है, फिर धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने का क्या फायदा। सियासी संकट के बीच गहलोत सरकार का बड़ा दाव, विधान परिषद के गठन को कैबिनेट ने दे दी मंजूरी। राजस्थान में राजनीतिक संकट से उभरने के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, कैबिनेट में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी गई है। वहीं सरकार इससे अंदरूनी असंतोष खत्म करने और ज्यादा संख्या में मंत्री बनाने की कोशिश कर रही है। हाफिज साइद के घर के बाहर हमले को लेकर पाकिस्तान के आरोपों पर भारत ने कहा, पहले अपने घर को ठीक करो। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022, ओवैसी से मुलाकात से पहले बोले राजभर, वो महबूबा से समझौता करे तो रासलीला, हम ओवैसी से जुड़े तो कैरेक्टर ढीला। अदर पूनावाला ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख को दी बधाई, लिखा, आपके नेतृत्व से काफी उम्मीद। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद मनसुख मंडविया की एक बड़ी जिम्मेदारी देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने की होगी। अभी तक भारत में बड़े पैमाने पर कोविड शील्ड के जरिए वैक्सीनेशन किया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद चिराग ने दिखाए तेवर, बोले, चाचा ने दिया धोखा। चिराग पासवान ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, जेडीयू में कई बड़ी टूट दिखेगी, विधायक व पूर्व विधायक सहित कई दिग्गज लोक जनशक्ति पार्टी के संपर्क में। मोदी कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बैठक में बड़ा फैसला, एपीएमसी मंडियों को और मजबूत किया जाएगा, मंडी के जरिए किसानों को दिए जाएंगे 1,00,000 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश दौरे पर ओवैसी ने कहा, इस बार MY नहीं A to Z समीकरण चलेगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच में AIMIM के पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया, वहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि MY नहीं A to Z समीकरण चलेगा। जबलपुर में स्टूडेंट्स के सामने छलका सीएम शिवराज सिंह चौहान का, दर्द ऑक्सीजन के इंतजाम के लिए कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 7 दिनों तक नहीं सोया। सलमान खान और बहन अलवीरा को चंडीगढ़ पुलिस ने भेजा समन, व्यापारी ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख ने कहा, हर जिले में 10,000 लीटर ऑक्सीजन स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। मोदी कैबिनेट का कोरोना पर बड़ा फैसला, 23,000 करोड़ के इमरजेंसी हेल्थ पैकेज का किया गया ऐलान। पश्चिम बंगाल निशित प्रमाणिक ने केंद्र गृह राज्य मंत्री के रूप में संभाला कार्यभार, अमित शाह की रणनीति पर साधेंगे बंगाल। पेट्रोल डीजल के दाम घटाने के लिए RBI गवर्नर ने सरकार को दी सलाह, कहा कम करे टैक्स। 53,000 के पार होने के बाद शेयर बाजार में हुआ नुकसान, सेंसेक्स 490 अंक गिरकर बंद। कृषि मंत्री तोमर बोले, कानून रद्द करने के अलावा किसानों की जो मांग है उस पर चर्चा के लिए है तैयार। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, सरकार से बात करने के लिए है तैयार पर कोई शर्त नहीं थोपी जानी चाहिए। सुंदरबन एनकाउंटर, 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर, 2 जवान भी हुए शहीद। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए CN News। धन्यवाद।